ब्रांड स्टोरी क्या होती है, कैसे करनी है और उससे आपके ब्रांड को क्या बेनिफिट हो सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। तो आप मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, इट इज़ अ B2C ब्रांड और उसको आपने विदाउट एनी स्टोरी ऐसे ही मार्केट में लॉन्च कर दिया। क्या होगा? पहली चीज़ तो कस्टमर आपके ब्रांड को ट्राई करने से हिचकिचाएंगे। विदाउट अ स्टोरी, विदाउट एनीथिंग, आपके ब्रांड की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कोई जानता ही नहीं है उसको, तो उसको ट्राई करने से हेजिटेट करेंगे। और करेंगे भी तो विद टाइम, अब जो कस्टमर के फीडबैक पर, जो एक्सपीरियंस पर एक परसेप्शन बन जाएगा आपके ब्रांड का, वो हो जाएगी फिर आपकी ब्रांड स्टोरी और उस पर आपका कोई जोर नहीं होगा। आप उसको चेंज भी करेंगे अगर, तो विद टाइम, विद वेरी हैवी मार्केटिंग, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा उसको ब्रेक करने के लिए। तो ये सब चीज़ें ना अवॉइडेबल हैं, कैसे? एक ब्रांड स्टोरी के होने से। ब्रांड स्टोरी की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं या सबसे ऊपर हम गूगल पे डालते हैं तो एक डेफिनेशन आती है कि इट इज़ अ कोहेसिव नैरेटिव दैट इवोक्स इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ योर ब्रांड। आपके ब्रांड को लेकर किसी के मन में जो इमोशन आएगा वो होगी आपकी ब्रांड स्टोरी। ठीक है, समझ में आ गया, ये तो हम सब पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी है समझना। लेकिन ब्रांड स्टोरी की फाउंडेशंस क्या होनी चाहिए? देखिए, इसको मैंने तीन भागों में डिवाइड किया है कि आपकी ब्रांड स्टोरी की फाउंडेशन होती है, सबसे जो मेन फाउंडेशन होती है वो तो होती है आपकी टारगेट ऑडियंस, कि आप वो स्टोरी सुना किसको रहे हैं। पहली चीज़ आप एडवर्ड्स के थ्रू सुना रहे हैं, दूसरी चीज़ आप B2B कॉन्वर्सेशन है, B2B एक ब्रांड स्टोरी बना रहे हैं क्योंकि आपका ब्रांड ही B2B है, और तीसरी चीज़ है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने ब्रांड की स्टोरी सुना रहे हैं, स्टोरी बना रहे हैं, स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, मेन फैक्टर्स जो हैं, ये डिसाइड करते हैं आपके ब्रांड की स्टोरी का लेंथ और उसका टोन। अगर B2C ब्रांड है तो उसकी लेंथ क्या होगी ये डिसाइड करेगा उसका, अगर वो एडवर्ट है तो उसकी 20 सेकेंड्स होगी, 30 सेकेंड्स होगी, या अगर वो एक B2B स्टोरी है, ब्रांड स्टोरी है, तो उसकी कोई कॉर्पोरेट फिल्म होती है जैसे, वो क्या कितनी, 3 मिनट की होगी, 5 मिनट की होगी, या सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं एक स्टोरी बना के। सोशल मीडिया आपको वैसे भी यूज़ करना ही करना है अपनी ब्रांड स्टोरी के लिए, तो अब इसको, इस सारे प्रोसेस को करना कैसे है, ब्रांड स्टोरी बनानी कैसे है, डेवलप करें, मेक श्योर कि आपकी स्टोरी जो है 10 सेकंड में हो जानी चाहिए। मुश्किल है ज़रूर, लेकिन आप ये करेंगे तो आपकी ब्रांड स्टोरी सुनने का सबके पास टाइम होगा, और प्लस आप सोशल मीडिया पे वैसे भी बहुत कम अटेंशन स्पैन होता है लोगों का, बहुत जल्दी स्क्रॉल करते हैं, तो 5 सेकंड में अपनी बात कह दो, 10 सेकंड में अपनी बात कह दो नहीं कह सकते हो, तो कम से कम शुरू के 5 सेकंड ऐसे होने चाहिए कि वो एंगेज हो जाए और उसके बाद आपकी स्टोरी पूरी देखे। तो पहली चीज़ क्या है, मैं इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है, पहली चीज़ है शॉक या सरप्राइज एलिमेंट या समथिंग दैट इज़ अनयूजुअल। तो जब कोई कंज्यूमर या कोई भी व्यूअर आपकी स्टोरी में पहली चीज़ शॉक या सरप्राइज या अनयूजुअल एलिमेंट देख लेगा तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि आगे क्या है, आगे व्हाट इज दिस, हाँ दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, या ब्रांड स्टोरी को सरप्राइजिंग अनयूजुअल कैसे बना सकते हैं शुरू के 2-3 सेकेंड्स में। उसके बाद आता है प्रोडक्ट प्लेसमेंट। जब कंज्यूमर यहाँ तक आपसे अटैच हो गया, यहाँ तक कनेक्ट हो गया, उसके बाद फटाफट जल्दी अपने प्रोडक्ट की प्लेसमेंट कीजिए अपनी ऐड में, और उसके बाद इन्फॉर्मेशन थर्ड स्टेज है कि थर्ड स्टेज में आप अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कंज्यूमर को बता रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कोई बेवरेज ब्रांड है, कोई न्यूट्रिशनल ब्रांड है, एनीथिंग, और उसको फिर आप एंड में स्टेज 4 में कर देते हैं कंक्लूड। ये हो जाएगी आपकी ब्रांड स्टोरी। अब इसको अपनी नीड के हिसाब से मतलब खींच के लंबा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, तो ये आपका मेन जो स्ट्रक्चर है, स्केलेटन ऑफ योर ब्रांड स्टोरी, ये होना चाहिए। और इसके बाद जो आप रिएक्शन आएंगे, जो जिस तरीके से लोग उस ब्रांड को फिर परसीव करना शुरू करेंगे, दैट विल बी योर बेसिस ऑफ डूइंग सम चेंजेस इन योर स्टोरी। इफ़ यू विल सी कि ये स्टोरी काम कर रही है या लोगों को और कुछ जानना है इसके बारे में, तो आप अपनी स्टोरी को उसमें प्लस एंड माइनस कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर यही फॉलो करना है। तो दिस वॉज इट, आई होप इस वीडियो में कुछ आपको नया सीखने को मिला, अगर मिला है तो अच्छी बात है। बाकी और कुछ ऐसे टिप्स लेकर मैं आपके साथ हाजिर होती रहूँगी। दिस इज़ मी शिवांगी शर्मा साइनिंग ऑफ।